सरकार पहले सुना, सारे किसान संगठन अपना बात रखा कि सरकारी नीति किसान विरोधी है और तीन कानून इलेक्ट्रिसिटी बिल एक किसान के लिए मौत का परवाना है, इसको विथड्रॉ करना है, ये हमारा डिमांड है। सब लोग यूनानिमसली बोला, हमारा एक ही डिमांड है, ये कानून को विथड्रॉ करो बस। उसके बाद सरकार बोला हम तो इमीडिएटली नहीं कर सकता, कुछ रूल्स बनाना पड़ेगा, तो हम लोग ऑर्डिनेंस करके कर सकता, बंद रख सकता 3 महीना 6 महीना, इस समय में भी डिस्कशन हो सकता। तो इसके बाद तय हुआ एक छोटा कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, स्मॉल कमेटी फ्रॉम बोथ साइड, वी डिडन एग्री फॉर एनी कमेटी, ऑलवेज कमेटी फॉर्म एंड इट डिड नॉट गिव एनी रिजल्ट, तो कमेटी इज ऑलवेज टू डिले। देन दे सेड ठीक है, फुल कमेटी कम, योर फुल मेंबर टुडे, ऑल मेंबर के 34 ऑर्गेनाइज ऑल विल कम डे आफ्टर टुमारो एंड डिस्कस इन डिटेल। Today we have not reached any conclusion. Government said that you give in writing tomorrow what are the mistakes and what you want to change. Then that we'll discuss day after tomorrow all these things. And we told movement will continue till there is a solution, movement will continue. आपको क्या लगता है छोटी कमेटी बनाने को क्यों कह रही है सरकार? आपको सरकार कमेटी बना के डाल देना, ठीक है, कमेटी बनाओ घर चले जाओ। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में किसान प्रदर्शन का आज 6वां दिन है और हम खड़े हैं दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रकों की, बसेस की और ट्रॉलियों की संख्या उतनी है और मैं कहूंगा उससे ज़्यादा ही है। आज मंगलवार की अगर हम बात करें तो सुबह 30 पंजाब किसान यूनियन ने सेंटर का जो प्रस्ताव था बातचीत करने का उसको स्वीकार कर लिया है। हालांकि उसमें ये कहा है कि जो बातचीत है केंद्र से वो केवल पंजाब की यूनियन ही नहीं करेंगी, जबकि उसमें जो देश भर की यूनियन है उनका भी साथ रहेगा। और इसी संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो किसान के जो डेलीगेशन है उसको वो लीड करेगा। तो यहाँ सिंघू बॉर्डर पे, ठीक है, केंद्र कह रहा है केवल पंजाब के किसान आए, सही कह रहा है वो? केवल पंजाब का नहीं है, पंजाब का नहीं, सारे हिंदुस्तान का इकट्ठा है। हाँ जी, जगीर कौर, कहाँ से आए हैं आप? इससे कम गए आए हैं, अभी सदियाँ जमीना काम का मोदी सिंह, फिर अभी इस करके आए हैं, भरावान के नाल भरा आए कहीं अच्छा सिंह जाना भरावान। अच्छा, आप सब यहाँ पे हैं तो पीछे घर में काम कैसे कोई कर रहा है? कोई नहीं करता, बच्चे छोटे है, एक नाल आया है, कोई घर नहीं, बच्चे घर भी है, उन्होंने थोड़ी होशियारी करने का प्रयास किया था, केवल पंजाब के साथ, लेकिन हमने उसे मतलब रद्द किया। जब तब जाएंगे अगर जो हमारा ऊपर 550 किसान संगठनों का जो फोरम बना है, संयुक्त किसान मोर्चा, उनको नहीं बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो 2 घंटे उस पर बहस होती रही, लेकिन अंत में सरकार इस बात पर आई कि आप सभी को लेकर आइए और इसी के आधार पर हम उनको लेकर जा रहे हैं। सभी साथी हमारे साथ जा रहे हैं, जैसे हरियाणा से प्रणाम साहब है, मध्य प्रदेश से शिवका जी है, हमला जी है बंगाल से। देखो जी, पहले नंबर पर तो MSP है। देखो जे आप MSP की पहला गल करते हैं, वो कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं सी, भी जिमें हूँ आप कह लिए 1800-1900 रेट कोई बहुता नहीं है। जे हूँ हरियाणे के अड्ड खर्चा आ, MP के अड्ड खर्चा आ, पंजाब अड्ड खर्चा आ, हरेक स्टेट का हरेक फसल के उत्ते अड्ड अड्ड खर्चा आ, हरेक स्टेट न बनते हक वो दिते जाने चाहिए आ। जिमें हूँ मान लो भी पंजाब के ट्यूबवैलों का खर्चा आ, उस हिसाब से साड़ी फसल का रेट चाहिए है, ठीक है। अज कह बहुत आसानी कह देंगे ने,
जी जट यूरिया पाँद ये पाँद एक लिया कि जटा ने थोपया कि हरी क्रांति ने जो तुम लैके आए हो दिल्ली फोन तो असं वरतन लगे तुम सू सा बनता अच्छ हक दो असी कहते पावे यूरिया रे असी नहीं पाते असं छड़ दें स्प्रेहां भी छड़ दें पर सू सा बनता हक तो दो ना फिर जो सा फसल से खर्चा जोड़े साढ़े बच्चे इन इन फीसा ने जोड़े साढ़े होर इन्ने उलझावे तुम पाता सू इन उलझावे किमें निकलों असी जे तुम सू सा बनता हक दोगे बनते पैसे दोगे असी कहते सड़कों पर रुलेंगे ठीक नहीं सानू कोई इतने चाव नहीं है पुलिस न लड़न का असी भी जिमें वह बैठा आ मोदी या अमित शाह असं भी आराम करे बहना चाहते हैं सानू साडे बनते हक दिते जाण बनता साडा रेट दिता जाए फसल का रेट क्या है वो रेट MSP है हाँ जी।